रॉकेट बन चुकी है गाइस ये बाइक अपनी। तो गाइस हेलो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल यूपी 79 रेड ब्लॉग। सो गाइज मैं होप करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। सो गाइज चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो कर देना एक लाइक। सो गाइज मैं अभी रिसेंट में मैंने जैसे ही आपको पता होगा गाइज मैंने एक वीडियो अपलोड की थी स्प्लेंडर की सर्विस की, मेजर सर्विस की। सो गाइज इसलिए मैं स्प्लेंडर अपनी जो बाइक सर्विस कराई थी उसका मैं आज रिव्यू लेके आया हूँ वीडियो बनाने के लिए। यहाँ पे कुछ लोकेशन पे आए हैं। सो गाइज ऊपर हाईवे में वीडियो बनाने जा रहे थे लेकिन वहाँ पे ट्रक वगैरह का शोर बहुत आ रहा था गाइज, इसलिए हम यहाँ पे कुछ इस तरीके के लोकेशन में आए हैं गाइज। यहाँ पे कोई नहीं है तो मैंने कहा यहाँ पे अच्छे से वीडियो बना लूँगा मैं गाइस जब वीडियो बनाता हूँ तो कोई पीछे से बाइक वाला आ जाता है, कोई बुलेट लेके आ जाता है, कुछ भी लेके आ जाता है। सो गाइस मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। सो गाइस इस लोकेशन पे कुछ आए हैं। सो गाइस आप लोगों के सपोर्ट से हम लोगों के 100+ सब्सक्राइबर हो चुके हैं। सो गाइस उसके लिए दिल से थैंक्स है। सो गाइस ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए अपने भाई को। सो गाइस 1K का टारगेट हम लोगों को जल्दी अचीव करना है 2 महीने के अंदर। सो गाइस जो लोग चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके अपने भाई को सपोर्ट दीजिए ताकि अपने भाई के 1K सब्सक्राइबर हो सकें। सो गाइस मैं बताता हूँ आपको अपनी बाइक आफ्टर सर्विस कैसी चल रही है। सो गाइस ये रही अपनी कुछ बाइक, आप चेक कर सकते हैं। सो गाइस आफ्टर सर्विस इसको एक बार वॉश करा चुका हूँ। सो गाइस आंधी वगैरह आ रही है, बरसात वगैरह हल्की हल्की आ रही है, टाइम हो गया बरसात के इसलिए ये थोड़ी बहुत गंदी हो गई। सो गाइस मैंने इसे अच्छे से साफ करके लाया हूँ। सो गाइस आप एक बार लुक चेक कर सकते हैं गाइस। तो कैसे यहाँ पे मैं जब सर्विस कराने गया था तो उन्होंने सोकर ऑल खोला था ये, तो वहाँ पे देखो स्क्रैच वगैरह लग चुके हैं। तो कैसे मैंने यहाँ पे लेमिनेशन करा रखी थी उसकी कोई दिक्कत नहीं है इसलिए मुझे गाइस। तो कैसे अपनी बाइक चल चुकी है 15,423 किलोमीटर चल चुकी है। सो गाइस मैं आपको बता देता हूँ मैंने सर्विस कराई थी 15,400 पे गाइस 23 किलोमीटर कुछ गाइस सर्विस होने के बाद बाइक चल चुकी है। सो गाइस एकदम पिकअप बढ़ चुका है गाइस, पहले भी पिकअप था लेकिन थोड़ा उसमें क्लच व्लच की सेटिंग शायद गलत कर रखी थी सर्विस सेंटर पे जो मैकेनिक करता है उसने, तो यहाँ से भैया ने एकदम मस्त सेटिंग कर दी है। 90 तो ईजिली टच कर रही है 10 सेकेंड में, एकदम रॉकेट बन चुकी है गाइस ये बाइक अपनी। सो गाइस ऑयल की बात करते हैं। सो गाइस आपने सर्विस वाली वीडियो में देख लिया होगा मैं मोटुल का 5100 यूज करता हूँ 10W40 वाला। सो गाइस उससे हीटिंग इशू काफी कम हो जाता है गाइस, एकदम कम तो नहीं होगा गाइस। देखना सूरज चाचू सर पे आ रखे हैं तो इसकी वजह से वो आप खड़ी भी कर दोगे धूप में तो भी इतनी हीट हो जाएगा इंजन। तो गाइस वो तो बाइक चलती है तो उससे कुछ हीट में फर्क पड़ता है, कम होती है, ओवर हीट नहीं होती है गाइस। तो गाइस अगर आप वीडियो में आ गए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं करना वो आपके ऊपर, लेकिन वीडियो को बस गाइस स्किप करके बस देखना। अगर आप वीडियो पे आ गए तो वीडियो को एटलीस्ट पूरा देख लेना गाइस। तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ मेरी सर्विस में टोटल कितनी कॉस्ट आई है। सो गाइस मेरी सर्विस में लगभग 1500 के अबव कॉस्ट आई है गाइस, क्योंकि मोटुल का ऑयल जो मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था वो मुझे लगभग 540 का मिल गया, और मैंने एयर फिल्टर वगैरह सब शोरूम से स्पेयर पार्ट सारे ले लिए थे, एयर फिल्टर कपलिंग रबड़ वगैरह मैंने सारी ले ली थी शोरूम से। तो गाइस मैं ओरिजिनल पार्ट यूज़ करता हूँ, शोरूम से लाता हूँ और आफ्टर मार्केट में इस बार मैंने सर्विस कराई है पहली बार, वो मुझे अभी तक रिस्पॉन्स अच्छा लगा है। सर्विस सेंटर में क्या करते हैं गाइस वो अपना खाली इंजन ऑयल चेंज कर देते हैं और गाड़ी धो के बस दे देते हैं, चेंज साफ करके अपना ही पेट्रोल निकाल लेते हैं गाइस। तो गाइस मैंने इस बार आफ्टर मार्केट में सर्विस कराई है। सो गाइस इसका रिस्पॉन्स मुझे अभी तक अच्छा लग रहा है गाइस। तो गाइस कुछ भाई लोग पूछेंगे कि आप मोटुल यूज़ क्यों करते हो, कंपनी वाला ऑयल यूज़ क्यों नहीं करते। सो गाइस मैं उनको बता देता हूँ ये कंपनी वाला जो ऑयल होता है ये ऑयल मिनरल ऑयल होता है, ये कोई सिंथेटिक सेमी सिंथेटिक कोई कुछ नहीं होता है गाइस, ये लोकल मिनरल ऑयल होता है गाइस। ये हम लोग ऑयल डलाते हैं पहली सर्विस 5 सर्विस तो गाइस एटलीस्ट 5 सर्विस तो हम लोगों को फ्री में शोरूम से करानी पड़ती है, उसमें लेबर चार्ज नहीं लगता गाइस, बाकी सारा चार्ज लगता है। तो गाइस वारंटी में हम लोगों की बाइक रही इसलिए हम लोगों को गाइस शोरूम में 5 सर्विस करानी पड़ती है गाइस, इसमें गाइस हम लोगों का लेबर चार्ज वगैरह सब बच जाता है और कुछ नहीं बचता है गाइस, ऑयल वगैरह के सारे पैसे लगते हैं, जो आपका एयर फिल्टर वगैरह कुछ भी लगेगा उसका तो प्राइस लगता ही गाइस। तो गाइस जो हम लोग सर्विस में ऑयल डलाते हैं वही ऑयल ये काला पीला होकर निकलता है, उसी को ये रिफाइन करके डिब्बा भी नहीं देते हम लोगों को, क्योंकि उसी में पैक करके दोबारा से ये झोल करते हैं गाइस। ये बिल्कुल बेकार ऑयल होता है, मेरी तरफ से बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है, आप मोटू लेके 5100 डलाओ आपकी गाड़ी एकदम मस्त रहेगी हमेशा। तो गाइस आपको कुछ सिनेमेटिक वगैरह दिखाते हैं, इंजॉय कीजिए आप। तो गाइस बर्नआउट के बाद आप कुछ चेक कर सकते हैं टायर की कंडीशन। वैसे तो मैंने गाइस ये रोड पे तो किया ही नहीं था बर्नआउट, इसलिए टायर को कुछ होगा नहीं। गाइस मैंने मिट्टी में किया था, ये देखो मिट्टी की क्या हालत हो चुकी है।
तो गाइस मैं आपको आगे पैक करके दिखाता हूँ। ये गाइस देखो यहाँ पे कुछ गड्ढा टाइप का हो चुका है। सो गाइस बाकी आज का ब्लॉग कैसा लगा बताना जरूर एक बार कमेंट सेक्शन में। सो गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को जरूर लाइक कर देना, क्योंकि हम लोगों को 2 महीने के अंदर 1K का टारगेट अचीव करना है गाइस। सो गाइस अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। बाय।